नमस्ते दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग ये एक पिलो कवर था, ठीक। इसको पिलो कवर जो बड़ा था, इस तो हमने इसको पूरा ओपन कर लिया और बगल से हमने पर्दा था हमारे पास पुराना, तो उसके हमने 5-5 इंच के दोनों साइड में पट्टियाँ काट के लगाई हैं। तो हम लोग देखिए सिंगल पीस से ही एक बड़ा सा स्टोरेज बैग बनाएंगे। तो इसकी देखिए पूरी लंबाई है 55 इंच और चौड़ाई है 30 इंच। इसकी चौड़ाई 30 इंच है और लंबाई 55 इंच है। देखिए, तो देखिए इसे केवल एक सिंगल कट ही लगाना है। इसमें कोई भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बनाने में बहुत ही इजी तरीके से ये बना हुआ है। अब इसे देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, चारों साइड पे हमें स्क्वायर पीसेस कट कर लेने हैं। तो जिस तरह से आप बेस बनाना चाहें तो उसी नाप के अनुसार, जैसे हम कोई अगर मोटी चीज़ रखना चाहते हैं तो बेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, अगर बेस कम रखना है तो फिर हम तो हमने इसमें 5x5 इंच के 4 स्क्वायर पीसेस कट किए हैं। चारों साइड पे हमें 5x5 के स्क्वायर कट करने हैं। मार्किंग कर लेंगे और कट कर लेंगे। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 3x3 इंच का कट कर लीजिए, नहीं तो 4x4 का कर लीजिए। जिस चीज़ को हम रखने के लिए इसे बनाना चाहते हैं तो उसी पे हम बना सकते हैं। तो इस तरह देखिए 5x5 इंच के हमने चारों उस कॉर्नर पे मार्किंग कर ली है और कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये बहुत ही इजी तरीके से देखिएगा स्टोरेज बैग बनकर रेडी होगा, बिना फोम बिना लाइनिंग के, और ना ही कोई हमने इसमें अंदर अस्तर के लिए कपड़ा यूज़ किया है और ना ही हमने कोई बोरी यूज़ की है ना फोम यूज़ किया है। ये केवल एक सिंगल पीस से ही बना हुआ है, क्योंकि ये बेडशीट मोटी वाली बेडशीट के पिलो कवर था तो इसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये ऐसे ही बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये जेब हमने ली है, इसी बैग से निकाली थी। अब उस हमें क्या करना है, सीधी साइड इसमें ऊपर से भी फोल्ड है। तो देखिए चैन को सीधा रखेंगे और कपड़े को ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए चैन हमारी अटैच हो गई है। चैन अटैच होने के बाद में साइड के जो दोनों पार्ट ओपन है और वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद हमें जो हमने ये स्क्वायर कट किए थे इनको बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो डालेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें हम जो छोटी वाली ब्लैंकेट होती हैं वो रख सकते हैं, कंबल वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम जा रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो हम गर्मियों के कपड़े भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टोरेज बैग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप हैंडल लगाना चाहें तो हैंडल भी लग जाएगा। तो देखिए ये कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें मैंने अभी रखा नहीं है क्योंकि मेरे सारे कपड़े जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो सारे अंदर रखे हुए हैं। तो लेकिन ये इस बहुत अच्छा सा बैग बनकर रेडी हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, फोम है और हमारे पास एक कैरी बैग है। कैरी बैग को ले लेंगे और इसी के नाप को इस तरह से हम कट कर लेंगे। अगर छोटा है तो जो बगल साइड से हमारा निकलेगा कट करके उसी से निकाल लेंगे। और हमें लाइनिंग के लिए कपड़ा ले लेना है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाकर क्विल्ट कर लेना है। पहले हम चारों साइड पे सिलाई लगाएंगे ताकि इधर उधर खिसके नहीं, और फिर हम बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे अच्छे से इसमें सिलाई लग गई है।
अब देखिए हमने इसका जो एक पार्ट हमने इसका और कट किया है इसी के नाप का, तो इसकी पूरे की लंबाई है 26 इंच लंबाई है इसकी और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। तो हमने इसका एक पार्ट कट किया है 7 इंच का, 7x12 इंच का, और एक पार्ट वही हमारा बचा 12x19 इंच का। इस तरह से हमने इसको कट करके अलग कर लिया है। तो अब हमें इसमें जो 19 इंच वाला पार्ट है उसमें हमें लगानी है जिप। तो हम ऊपर से 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे और इसको पूरे मार्क अच्छे से लगा लेंगे और इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हमको जिप अटैच करनी है। इस तरह से देखिए इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद हमें जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है और इस तरह सिलाई लगा लेंगे और सीधा रखते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से ऊपर वाला जो हमने पार्ट कट किया उसको भी इसी तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। अभी देखिए हमने सिलाई लगा ली। टॉप स्टिच कैसे करना है, हमें उल्टी साइड पे लेना है और जो हमने थोड़ी सी सिलाई जहाँ पे लगाई थी उसको इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए बस इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो टॉप स्टिच भी हो जाएगी और जो अंदर वाला पार्ट है वो सिलाई में दब जाएगा तो हमारा रनर में फंसेगा नहीं, कोई भी रफ एजेस नहीं रहेंगे। अब हम इसमें रनर को ऐड कर लेते हैं। रनर को बहुत अच्छे से ऐड हो जाता है, इसको बस एक तरफ से थोड़ा सा तार निकालना पड़ता है और आसानी से इसको डाल लेंगे। देखिए अब इसको बीच में हमने कर लिया और जो हमने एक पार्ट कट किया था 7x12 इंच का उसको हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के साथ साथ हमने जो कैरी बैग लिया है तो उसी के हमने पतली स्ट्रिप कट कर लेंगे और इसी में सिलाई के साथ में इसको रख देंगे, सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी सिलाई कवर हो जाएगी। जो भी रफ एजेस हैं इसमें तो वो कवर हो जाएंगे, हमें दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से रखेंगे और इसको फिर बाद में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये तो आप एक साथ भी इसको लगा सकते हैं। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी करना है। तो ये देखिए हमने अब दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से रखना है और उस स्ट्रिप को रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे पूरी दोनों तरफ से फिनिश हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने के बाद हमें इसमें हैंडल भी लगाने हैं। तो हैंडल लगाने के लिए हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो देखिए जो हमने पार्ट ऐड किया था 7 इंच वाला तो उसको बैक पे रखना है, पीछे साइड पे। तो इस तरह से बराबर करके रखेंगे कि चैन जो है हमारी दोनों साइड पे इक्वल रहे। अब इस तरह से रख लेंगे और हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है हैंडल अटैच करने के लिए। तो हैंडल हमने छोटे छोटे से लगाएं क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ पाउच बना हुआ है, इसमें हम कॉस्मेटिक का सामान हो गया, लंच बैग हो गया, कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। ये हमारा लंच बैग भी बन सकता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से चैन के नीचे हमने 1 इंच पे मार्किंग करी है, यहीं पे हमें हैंडल को अटैच करना है। दोनों साइड पे हमें 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से पीछे हमें जहाँ पे हमारी जिप लगी हुई है उसी बराबर पहले हमें मार्किंग कर लेनी है और फिर उसके नीचे 1 इंच का मार्क करके हैंडल को अटैच कर देना है। हैंडल ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, मीडियम साइज का ही हैंडल लेना है। दो हमने हैंडल रेडी कर लिए हैं, बीच में हमने फोम सीट डाल दी थी। और तो इस तरह से ये थोड़े राउंड में एक ही साइड हमने इसमें सिलाई लगाई है तो ये राउंड जैसे हैंडल बनकर रेडी हुए हैं। इस तरह से हम रखेंगे और हैंडल को अटैच कर लेंगे दोनों साइड पे। अगर वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच भी करिएगा। तो देखिए इस तरह से हैंडल हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ फिर से उल्टा कर लेना है। अब हम हैंडल से हैंडल मिलाकर रखेंगे और दोनों साइड पे ऊपर और नीचे साइड में सिलाई लगा लेंगे। हैंडल को अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर देंगे ताकि वो सिलाई में दबे नहीं। अब इस तरह से ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में हमें सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें नीचे साइड पे और ऊपर साइड चारों साइड पे स्क्वायर कट करने हैं। तो हम लेंगे 2.5 बाई 2.5 इंच का स्क्वायर हमने कट करना है।
ऊपर अगर आपका पूरा 2.5 ना रहे तो आप इसमें 2.5 से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। बस हमें स्क्वायर जो है वो इक्वल कट करने, नीचे साइड इक्वल रहेंगे, ऊपर साइड के भी इक्वल रहेंगे। इस तरह से हमें यही जो हमने पीस कट किया है इसी को हम चारों साइड पर रख लेंगे और कट कर लेंगे। वैसे इसको लंच बैग भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं या छोटी मोटी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना हुआ है, घर की पुरानी चीज़ों से ही हमने इसको बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनको कॉर्नर को पकड़ते हुए पूरे में चारों साइड पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फोर साइड पर सिलाई लगा देंगे। अगर आप राफेल इसको फिनिश करना चाहते हैं तो इसी कैरी बैग का जो अभी स्ट्रिप कट करके उनको फिनिश कर सकते हैं। अब इसे हम कर लेंगे सीधा, रनर को ओपन कर लिया है और इसे कर लिया है सीधा। अब इसके बाद आप देखिएगा पूरा बैग कितना अच्छा सा ये बनकर रेडी हुआ। इसमें स्पेस, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, काफ़ी सामान आ सकता है। तो प्लीज़ ये आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और एक कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे, ताकि कि आपको नहीं हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग एक लाइक दबाइए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से हम न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी छोटे छोटे आइडियाज़ देते हैं, फिर तो जब बाद में थोड़े बड़े बड़े आइडियाज़ भी देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ईजा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रहा।